नमस्कार, स्वागत है सभी का मार्केट एंड सीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन का कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सिर का अक्टूबर वायदा 6188 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% से ज्यादा की गिरावट आज कैसे सिर के अक्टूबर वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज कैसे सीर का वायदा बाजार एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे सीर के अंदर आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कुछ नरमी बनती हुई नजर आई है, लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत हैं। ओवरऑल रुझान कैसे सीर में तेजी का ही है। बात करें यहां से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2435 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी करेक्शन है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल में 3200 के बाद सीधे 2400 के स्तर देखने को मिले हैं। अब जानकार यहां से अभी भी बिनौला खल के अंदर गिरावट बता रहे हैं। जान एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिनौला खल नीचे में 2200 तक के भी लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। बात करें यहां से अगर धनिया की, तो धनिया का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 7808 तक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 7900 का हाईला आ चुका है, 0.1% की गिरावट है। हम देख रहे हैं कि आज धनिया का अक्टूबर वायदा 7800 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन हमने मसालों की कीमतों में तेजी बनती हुई देखी थी। मसाले की कीमतें ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। लेकिन जो फंडामेंटल्स है ओवरऑल मसालों में वो अभी पॉजिटिव ही है, मजबूत है, जिसकी वजह से मसालों की कीमतों में आगे जाके तेजी भी देखने को मिल पाएगी। बात करें यहां से अगर जीरे की, तो जीरे का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं कि 14325 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.1% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि जीरे का अक्टूबर वायदा आज एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जीरे की कीमतों में आज लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। हमने जीरे की कीमतों को 14900 पर भी जाते हुए देखा था, लेकिन वहां पर सस्टेनेबिलिटी देखने को नहीं मिली। फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हुआ और जो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स बनते हुए नजर आए, उसकी वजह से आज जीरे की कीमतों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटल्स जीरे के मजबूत ही हैं, एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक है मसालों की, लेकिन ये ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से आज जीरे की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें यहां से अगर हल्दी की, तो हल्दी का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 7260 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.1% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि हल्दी का वायदा बाजार लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। 7800 जो हमने लेवल्स देखे थे, वहां से अब सीधा 7200 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अब हल्दी की कीमतों में ये जो नरमी का रुझान है वो और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मानसून में जो दोबारा से तेजी देखने को मिली है, मानसून की गतिविधियां फिर से बारिश का दौर शुरू होता हुआ नजर आया है, उसकी वजह से अब मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हल्दी की जो अगली क्रॉप होगी, जो अगली फसल होगी आज नेक्स्ट सीजन में, वो अच्छी देखने को मिल सकती है। और इस सेंटिमेंट के चलते जो हल्दी बाजार है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। बात करें यहां से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 9432 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.3% की गिरावट आज ग्वार गम के अक्टूबर वायदे बनती हुई नजर आ रही है। और बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 5775 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और इसके अंदर भी 2.5% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ग्वार का जो वायदा बाजार है वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। दरअसल जब से हमने देखा है कि ग्वार के जो प्राइजेस हैं उनके अंदर तेजी देखने को मिली है कीमतों के अंदर मजबूत फंडामेंटल्स के चलते, तो जो अराइवल्स थे मंडियों के अंदर, जो कारोबारी थे, व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी अपनी ग्वार की जो फसल थे ज्यादा लेके पहुंचे हैं मंडियों के अंदर, जिसकी वजह से मंडियों में ज्यादा आवक होने की वजह से ग्वार के जो वायदा बाजार है वो इंटैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा कुछ ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं कि ग्वार का वायदा बाजार टूटता हुआ नजर आ रहा है। बात करें यहां से अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि मत्स्य सीड का अक्टूबर वायदा 8440 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि सरसों का जो वायदा बाजार है 8600 जो 8700 तक कारोबार करता हुआ नजर आया था, अब वहां से उसके अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि 8400 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जब से देखा है कि सरसों की जो कीमतें हैं वो एकदम से उछाल मारती हुई नजर आई है,
व्यापारियों को और किसानों को सरसों बेचने का अच्छा मौका मिला है और इसी के चलते उन्होंने अपनी उपज ज्यादा बेची है कुछ दिनों इन पिछले कुछ दिनों के दौरान, जिसकी वजह से मंडियों के अंदर सरसों की जो आवकें हैं उनमें इजाफा देखने को मिला था। प्रतिदिन 2 लाख बोरी से अधिक की आवकें दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों में ज्यादा आवक होने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है वायदा बाजारों के अंदर। और जानकारों का कहना है कि अभी सरसों में फ्रेश एंट्री लेने से बचना चाहिए। बात करें यहां से अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर बाजार देख रहे हैं 1306 पर कारोबार करता नजर आ रहा है 0.5% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल का वायदा बाजार जो 1330 1320 पर कारोबार कर रहा था, अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं 1306 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोया तेल की कीमतों में सोयाबीन में जो गिरावट देखने को मिली है उसका असर देख रहे हैं। आज देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 6026 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 4% का निचला सर्किट देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सोयाबीन की जो बुआई है, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो बुआई का जो रकबा है वो लगभग पिछले साल के मुकाबले बराबर ही देखने को मिल रहा है, हालांकि थोड़ा कम है। जो ग्राउंड रिपोर्ट और जो ग्राउंड लेवल पर जो किसान है वो उनका ये कहना है कि उनकी सोयाबीन की जो फसल है वो खेतों में बारिश से खराब हुई है, ज्यादा बारिश तेज बारिश की वजह से सोयाबीन की जो फसलें खराब होती हुई नजर आई हैं, चाहे बुआई का रकबा कितना भी क्यों ना हो। और पहले सुनने में ये आया था कि सोपा ने अनुमान रकबा जो है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ा हुआ बताया अपने सर्वे में जो सोपा ने अभी बीच में किया था। और जो ट्रेडर्स हैं, कारोबारी हैं और किसान हैं, उनका कहना है कि सोयाबीन का रकबा पिछले साल के मुकाबले इस बार कम है और जो फसलें हैं सोयाबीन की वो भारी बारिश की वजह से तबाह होती हुई नजर आई है। तो अभी एक रकबे को लेकर एक टकरार देखने को मिल रही है एसोसिएशन के बीच और ट्रेडर्स के बीच, और जिसकी वजह से देख रहे हैं कि रकबे को लेकर अभी एक असमंजस का माहौल है। अगर रकबा कम निकलता है, आवकें कम देखने को मिलती हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन की कीमतों में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है। और अगर रकबा कम नहीं देखने को मिलता है और आवकें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अराइवल्स अब स्टार्ट ही होने वाली है, तो सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी वाला रुझान भी देखने को मिल सकता है। और इसी एक कंफ्यूजन के चलते, इसी असमंजस के माहौल के चलते, रकबे की वजह से और प्रोडक्शन की वजह से सोयाबीन की कीमतों में हम देख रहे हैं कि आज एक 4% का निचला सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, चाइना ने ब्राजील से बड़ी भारी मात्रा में जो सोयाबीन है वो इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों को कुछ थोड़ा बहुत सहारा मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी जो फंडामेंटल्स और हाल फिलहाल में जो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स सोयाबीन को लेकर, वो अभी कुछ नेगेटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन का वायदा बाजार टूटता हुआ नजर आ रहा है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक सोयाबीन का वायदा बाजार नीचे में अभी 5700 से लेकर 5800 का भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही। नमस्कार।